एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक पम्बासा में स्थित कासमपुर गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 20 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 38 किलोमीटर है। लगभग 4500 की आबादी व 2350 वोटरों द्वारा बानो को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 660 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला में लगभग 150 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए हैंडपंप लगे हुए हैं, जिनमें से वर्तमान प्रधान द्वारा कुछ हैंडपंपों को भी रिबोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गाँव में विद्युत पोल, विद्युत ट्रांसफार्मर, 21 सोलर लाइट व 50 स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में 19 सीसीटाइज रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली, पुलिया व चक रोड का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 140 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, स्कूल की बाउंड्री, पंचायत घर, बारात घर, आंगनबाड़ी केंद्र, कब्रिस्तान की बाउंड्री, स्वास्थ्य केंद्र, पानी की टंकी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 200 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मुजाहिद अली खान, ग्राम मखनपुर, ग्राम पंचायत कासमपुर से बोल रहा हूँ। हमारे प्रधान जी बाबू अली खान बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो भी योजनाएं आई हैं उसे बहुत ठीक से काम किया है। हम सरकार से चाहते हैं कि हमारे अभी कब्रिस्तानों की बाउंड्री रह गई है, उसका पैसा आ जाना चाहिए। गांव के अंदर ग्राम प्रधान जी ने खास तौर से शौचालयों का, सफाई का बहुत अच्छे तरीके से कार्य किया है और जनता भी इससे खुश है। और मैं चाहता हूँ कि हमारी सरकार दो चार काम के लिए और पैसा दे दे ताकि और सुकून मिल जाए। बाउंड्री रह गई है, अभी फ्रीज की बात चल रही थी, फ्रीज रह गए हैं, अभी दो तीन चीज़ें रह गई हैं। अगर ये आ जाए तो बहुत ज़्यादा सुकून हो जाएगा। लाइट की सुविधा भी थोड़ी दिक्कत है लेकिन पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है और मैं चाहता हूँ कि हमारी सरकार इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम पंचायतों को पैसा दे। धन्यवाद। मैं मुस्तकीम हसनपुर मंजुप्ता से बिलोंग करता हूँ और ये मेरी तैनाती ग्राम कासमपुर, एक छोटा सा गांव मंगनपुर प्राथमिक विद्यालय। ये मैं यहाँ प्राथमिक विद्यालय का इंचार्ज हूँ और मेरे द्वारा जो भी हुआ है स्कूल में और प्रधान के द्वारा वो इस माध्यम से बता रहा हूँ कि टॉयलेट हैं, इसमें बहुत अच्छा काम यह है काम हुआ है और सफाई सब कुछ बढ़िया है और मानक के अनुसार हमारे प्रधान जी खाना बनवाते हैं और बहुत अच्छी सुविधा चल रही है इंचार्ज और प्रधान अध्यापक द्वारा और सफाई बढ़िया है।